पिछले दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा जिले के डीआरएम चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा से छेड़छाड़ करने को लेकर जिले में लगातार आम लोगों में आक्रोश देखा गया। शनिवार को भाजपा SC ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश राम के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाकर उन्हें माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में प्रतिमा है और थाने से चंद कदमों की दूरी पर इस तरह की घटना घट जाती है और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना काफ़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर रविवार को जिले के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बाध्य होकर हम आत्मदाह करेंगे। हमारे भगवान के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को कतई माफ करने के योग्य वो लोग नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का असामाजिक तत्व द्वारा कल चश्मा के साथ छेड़छाड़ किया गया, चश्मा की चोरी कर लिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया है, गेट का दोनों ताला तोड़ दिया गया है। हम लोग कल शाम को जब सुने तो हम लोग का भगवान के साथ इस तरह से खिलवाड़ हुआ है तो हम लोग आकर्षित हो गए और आज हम लोग आए हैं गंगा जल लेकर। भगवान का अपना गंगा जल से नहाएंगे, उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे, उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे, पवित्र करेंगे और प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और असामाजिक तत्व तो जो बाबा साहब के साथ घिनौना काम किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो कुछ दिन के बाद रणधीर वर्मा चौक पर हम धरना देंगे। उससे नहीं होगा तो हम लोग दाह करेंगे क्योंकि भगवान है हम लोग का, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। राम भाजपा।